बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, ये गाड़ी है लैग्जीज ES 350। गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, जो इसका रिमोट है वो काम नहीं कर रहा है। जैसे ये रिमोट होता है गाड़ी का, तो ये लॉक अनलॉक नहीं कर रहा है, यानी इसकी जो सेंटर लॉकिंग है वो काम नहीं कर रही है। यहाँ से अगर आप ऑन ऑफ कर रहे हो, यहाँ से अपना काम कर रहा है ये। ठीक है, बट प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, इसका जो रिमोट है काम नहीं कर रहा है, यानी इसका जो लॉक अनलॉक है ये काम नहीं कर रहा है, यानी गाड़ी से रिमोट से गाड़ी लॉक अनलॉक नहीं हो रही है। ठीक है, गाड़ी में ये प्रॉब्लम है, तो मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ। पहले मैं इसका शीशा डाउन कर लेता हूँ। एक चाबी मैंने ऑफ की, ये देखो इसका रिमोट है। आप यहाँ ध्यान रखना, यहाँ वहाँ सामने ध्यान रखना, कोई मुश्किल नहीं है। मैं इसको लॉक अनलॉक कर रहा हूँ। यहाँ देखो ये मिरर भी बंद होता है इसका लॉक होने पे। इसका रिमोट काम नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर हम इसकी चाबी ऑन करेंगे तो इसका जो चाबी गाड़ी के अंदर रखी हुई है, मैंने चाबी यहाँ रख दी, ये यहाँ से काम कर रहा है, यानी चाबी ऑन हो रही है। पर प्रॉब्लम कहाँ है, बस रिमोट जो है, रिमोट से गाड़ी लॉक अनलॉक नहीं हो रही है। अब देखो ये इसका वो लगा हुआ मिरर, लॉक होने पर ही अनलॉक होना चाहिए मिरर, और खुलने पर खुलना चाहिए। ठीक है, तो उसका रिमोट काम नहीं कर रहा है। यहाँ देख लो, ये काम नहीं कर रहा। ठीक है, अगर तुम्हारे पास कोई ऐसी गाड़ी आए तो सबसे पहले उसका एक चीज़ चेक कर ले। मैं बता दूँ आप लोगों को, अभी अपना कंप्यूटर लाए उठा के आप, ठीक है, और सभी कंप्यूटर में ये तीन सेटिंग आती है, हेल्थ रिपोर्ट, सिस्टम सिलेक्शन और कस्टमाइज। ठीक है, आप जाइए कस्टमाइज पे, उस पर क्लिक करिए। ये देखो आप वायरलेस डोर लॉक, ध्यान से देख लो, वायरलेस डोर लॉक, एक बार इसको जरूर चेक कर ले। मैं इसको ओके किया, वायरलेस कंट्रोल पर हम फिर क्लिक करेंगे। ये देखो यहाँ ये ऑफ है, फंक्शन टू टर्न ऑन ऑफ द वायरलेस डोर लॉक, वायरलेस कंट्रोल, ये रहा, ये अभी ऑफ है। इसको आपको देखना है कि ये ऑन है कि ऑफ है। अगर ये ऑन है और फिर भी तुम्हारा रिमोट काम नहीं कर रहा है, तो उसमें कोई वायरिंग इशू है, या इसके अंदर बैटरी होती है, सेल होता है रिमोट के अंदर, इसका वो ख़राब है, या कोई वायरिंग इशू है। ठीक है, तो मैंने अभी देखा है इसका ये ऑफ बता रहा है। ठीक है, तो मुझे जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, इसका यहीं से बंद हो गया है ये। ठीक है, जब बहुत बार क्या होता है, गाड़ी की बैटरी अगर चेंज करते हैं तो कुछ गाड़ियों में ये प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ से ऑफ हो रहा है। ये देखो सेट पे क्लिक करना है आपको, या फिर जब जाना है ऑन पे, फिर करना है ओके, ये अब यहाँ से ऑन हो गया। ठीक है, तो अब इसका रिमोट काम करना चाहिए 100%। अगर अब इसका रिमोट काम नहीं करेगा, तो उसमें या तो वायरिंग इशू होगी, या इसका रिमोट ख़राब होगा, या सिक्योरिटी की कंट्रोल में प्रॉब्लम होगी, यानी कोई प्रॉब्लम होगी वायरिंग इशू की, यानी गाड़ी के अंदर कोई प्रॉब्लम होगी, अगर ऑन करने के बाद भी काम नहीं कर रहा है। ठीक है, एक बार आप ये जरूर चेक कर ले। कस्टमर सेटिंग में होता है ये डोर लॉक कंट्रोल, रिसीवर वायरलेस डोर लॉक कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, अब मैं गाड़ी करता हूँ बंद। पहले मैं इसका एक सिस्टम उतार लेता हूँ, ताकि आप अच्छे से देख सको। ये मैंने गाड़ी बंद की, और अब मैं इसका रिमोट चेक करूँगा। इसका रिमोट रहा, ये रिमोट काम कर रहा है। ठीक है, वहाँ ध्यान दे लो आप,
आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को। ये देखो शीशा बंद हो गया, मैं शीशा खोलता हूँ इसका। ये अनलॉक की, ये अनलॉक हो गया, ठीक है। ये लॉक की, ये लॉक हो गया। ये अनलॉक की, ये अनलॉक हो गया, ठीक है। अब इस गाड़ी में एक प्रॉब्लम हो रहा है, वो प्रॉब्लम अगर किसी भाई को पता होगा तो मुझे बताना, ठीक है। अब वहाँ से बैक करते हैं हम इसको, हमारा रिमोट काम करने लगा है। ये देखो उसका चारों डोर नीचे है फिलहाल, ठीक है। मैंने चारों डोर उसके ऊपर कर दिए। इस गाड़ी में प्रॉब्लम है, अगर किसी भाई को पता होगा तो मुझे बताना, ठीक है। अभी मैं गाड़ी करता हूँ बंद। जैसे ही मैं गाड़ी को लॉक या अनलॉक करूँगा तो इसके चारों मिरर ऑटोमेटिक डाउन हो जाएंगे, ठीक है। जो फॉल्ट था इसमें रिमोट काम करने का, वो मैंने क्लियर कर दिया है। मैं वीडियो करूँगा अपलोड। अगर किसी भाई को ये सिस्टम पता होगा कि ये फॉल्ट कहाँ पे है तो मुझे कमेंट करके बताना, या मेरा व्हाट्सअप नंबर होता है वीडियो में, मुझे उस पर बताना कि भाई आप ये चेक कर लो, ठीक है। फिर मैं दिखाता हूँ सर प्रॉब्लम कहाँ है। एक और जैसे ही मैंने गाड़ी लॉक की, लॉक हो गई, अनलॉक की, फिर देखो इसके चारों मिरर डाउन हो गए, ठीक है। एक बार फिर देख लो ताकि आपको कोई कन्फ्यूज ना रहे। ये मैंने चाबी ऑफ की, देखो इसके चारों डोर डाउन हो रहे हैं। ये देख लो आप मिरर सब डाउन हो गए। फिर करता हूँ मैं ऊपर, मैंने कर दिया ऊपर, पीछे कर आ गए, ठीक है। ये देखो सारे, वो मैंने गाड़ी की, ये देखो यही बंद है, यही बंद है। जैसे मैं गाड़ी लॉक करूँगा, अब मैं लॉक करूँगा, ये देखो उसके चारों डोर जो मिरर है वो तो डाउन हो गए, ठीक है। अगर किसी भाई को ये फॉल्ट पता होगा तो मुझे बताना कमेंट करके, या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। रिमोट का मैंने आपको बता दिया है, ये राव वायरलेस कंट्रोल का सिस्टम होता है ये, एक बार आप ये जरूर चेक कर लें, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैं इसका फॉल्ट क्लियर करूँगा ये, बट करूँगा बाद में, ताकि मुझे कोई बंदा थोड़ा बताए कि भाई ये फॉल्ट गाड़ी में मैंने पहले किया है, ऐसे ऐसे होता है, मुझे बताना, ठीक है फ्रेंड्स। तो इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह खुदा हाफिज़।